आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ओसिक्यूलर सिस्टम इम्पीडेंस मैचिंग। ये सारे पॉइंट्स आज मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। ये मेरा गाइडेंस का चैप्टर नंबर 53 का लेक्चर नंबर 1 है। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने जन में बिठा ली नहीं, आपने बिठा ली नहीं है। मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया जनरल रूल क्या है कि कोई भी सेंसेशन जब भी डिटेक्ट होती है ना, परसीव होती है, तो उसका रूल क्या होता है कि उसके रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर्म में नर्व फाइबर इसको हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन में लेके जाते हैं। जब ये कॉर्टेक्स में पहुंचती है तो इसकी हो जाती है परसेप्शन। बिल्कुल इसी तरीके से साउंड ने भी अगर परसीव होना तो इसके लिए ज़रूरी है कि साउंड वेव जो आके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें वो उसके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करें, रिसेप्टर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करें जिसको नर्व फाइबर हायर सेंटर में लेके जाएँ। लेकिन अब जो साउंड वेव्स हमारे पास आ रही होती है ना हमारे ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में, या के वाइब्रेशंस हमारे ईयर में एंटर हो रही होती हैं। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। तो साउंड वेव के लिए भी की परसेप्शन के लिए भी ज़रूरी है कि साउंड वेव के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हों और रिसेप्टर्स जो हैं वो फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करें जो नर्व फाइबर हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन में ले जाए। लेकिन ये रिसेप्टर्स होते हैं इन द इनर ईयर, तो इसका मतलब जो साउंड वेव्स आके वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं इन द एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडल ईयर, तो ज़रूरी होता है कि ये वाइब्रेशन इनर ईयर में पहुँचे ताकि रिसेप्टर्स फॉर द हियरिंग जो है उनको एक्टिवेट किया जाए और अल्टीमेटली जो है नर्व फाइबर की फॉर्म में ये सिग्नल जो है हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन में पहुँचे, कॉर्टेक्स तक पहुँचे ताकि हमें हियरिंग की परसेप्शन हो। तो अब ये वाइब्रेशन जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर में पड़ी हुई थी, ये वाइब्रेशन मिडल ईयर से इनर ईयर तक पहुँच के रिसेप्टर्स को कैसे एक्टिवेट करती हैं रिसेप्टर्स फॉर द हियरिंग, इसके लिए जो सिस्टम है उसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओसिक्यूलर सिस्टम। इसकी डिटेल मैं आपको बुक से बताता हूँ। हाँ, तो मैंने अब आपको ये बुक से बताता हूँ कि जो वाइब्रेशंस आती हैं, साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं इन द मिडल ईयर, वो मिडल ईयर से इनर ईयर तक किस तरीके से पहुँच के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। अब होता क्या है कि ये वाला सारा एरिया जो हमारा ये आपको दिखाया गया इसको कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, ये ऑडिटरी कैनाल है। तो साउंड वेव यहाँ से आएंगी, इंटर होंगी और ये जब जाके जिस स्ट्रक्चर के साथ स्ट्राइक करती हैं इसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये सारा जो स्ट्रक्चर दिखाया गया ये वाला, इसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे साउंड वेव आके स्ट्राइक करती हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन अब होता क्या है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ऑनवर्ड ये जो सारा स्ट्रक्चर है यहाँ तक, इससे ऑनवर्ड सारा मिडल ईयर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ एक बोन होती है जिसका नाम होता है मेलियस। मेलियस के दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला हेड जो आपको नज़र आ रहा है और दूसरा हैंडल। जो हैंडल होता है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा पड़ा होता है। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो ये वाइब्रेशन हैंडल ऑफ द मेलियस को ट्रांसमिट हो जाती है। मेलियस एक तो हैंडल के थ्रू इसके साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या होता है कि जो मेलियस है एक और बोन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है जिसको नाम होता है इनकस। ये छोटी सी बोन जो नज़र आ रही है आपको, पतली सी, तो जो इनकस है इंटर्न, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो इसका ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, मैंने आपको बताया अभी मेलियस के साथ, और दूसरा पार्ट होता है ये एक और बोन छोटी सी होती है उसके साथ जुड़ा होता है। ये जो छोटी सी बोन होती है इसका नाम होता है स्टेपीज। इन तीनों बोन्स को मेलियस, इनकस और स्टेपीज, इनको कहते हैं ईयर ओसिकल्स। ये एक ईयर में 3 होती हैं तो दोनों में 6 ओसिकल्स होते हैं टोटल ह्यूमन। अब ये जो हमारे पास है ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये हमारे पास इसको कहते हैं स्टेपीज। स्टेपीज के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो बाहर वाली साइड पे होता है ना इसको कहते हैं स्टेम, जो किसके साथ जुड़ जाता है विद द इनकस, जबकि दूसरा पार्ट होता है इसको कहते हैं फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या करता है कि हमारा इनर ईयर मिडल ईयर ख़त्म हो जाता है, इसके आगे आ जाता है ये वाला जो ब्लू कलर में शो किया गया, इसको कहते हैं इनर ईयर। इनर ईयर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है कि बाहर होती है बोन, सारा बोन ही होता है, और बोन के अंदर क्या होती है मेम्ब्रेन पड़ी हुई थी, इस तरीके से ये मेम्ब्रेन पड़ी हुई, क्योंकि बोन है, बोन के अंदर भी खाली स्पेस है, मेम्ब्रेन के अंदर भी स्पेस है, तो इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, इसको कहते हैं बोनी लैब्रिंथ। तो यहाँ पे ये जो कॉकलिया है, इनर ईयर का स्ट्रक्चर है, ये कॉकलिया दिखाया गया। कॉकलिया की जो मेम्ब्रेनस पार्ट है ना उसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है, दो होती हैं, एक राउंड विंडो होती है, एक होती है ओवल विंडो, लेकिन उनमें से जो ओवल शेप की ओपनिंग होती है इसको कहते हैं ओवल विंडो। तो ये जो फेस प्लेट है मैंने आपको अभी बताया किसकी, ये स्टेपीज की, इसका स्टेम जो था ये तो किसके साथ अटैच था, इनकस के साथ, लेकिन इसकी फेस प्लेट जो है ये जो छोटी सी ओपनिंग है इन द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ ऑफ द कॉकलिया, और कॉकलिया किसका पार्ट है इनर ईयर का, उसमें धसी हुई है ये फेस प्लेट। तो ये इस तरीके से ये सारी बोन्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो ये सारी बोन्स एक साथ वाइब्रेट करती हैं, क्योंकि सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि ये सारी कनेक्टेड हैं, एक ही साथ वाइब्रेट कर रही हैं, तो एक ये एक यूनिट बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती है, इसको लीवर सिस्टम कहते हैं। तो होगा क्या, जब भी कभी बाहर से वाइब्रेशन आएगी या के साउंड वेव्स आएंगी या के
स्ट्राइक करेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, इससे वाइब्रेशन जाएगी मेलियस को, मेलियस से इनकस, इनकस से किसको जाएगी स्टेपीज को, और स्टेपीज का वो पार्ट जो फेस प्लेट मैंने आपको कहा है कि मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द कॉकलिया उसके अंदर धंसा पड़ा है, राउंड विंडो जो किस में धंसा हुआ है, ओवल विंडो के अंदर धंसा हुआ है, ये क्या करेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी कि राउंड विंडो के बाकी के इर्द गिर्द जो बाकी एरिया होता है उसमें क्या पड़ा होता है, फ्लूइड पड़ा होता है, जिसको मैं ये ब्लैक से छो कर रहा हूँ। जब यहाँ से ये स्टेपीज अंदर की तरफ धंसेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये फ्लूइड है इस पर डिस्टर्बेंस लगेगी, फ्लूइड क्या मूव करेगा, ऐसे अंदर की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा फ्लूइड। जब फ्लूइड फॉरवर्ड मूव करेगा तो फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे जिससे साउंड रिसेप्टर जो हैं वो एक्टिवेट हमारे पास हो जाएंगे। तो हर दफ़ा क्या होगा कि जितनी बार साउंड वेव्स आएंगी या कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को प्रेस करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन ओसिकल में जाएगी और ओसिकल से अल्टीमेटली स्टेपीज जो है, ये जो कोकलिया का मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसमें धंस जाएगी। जब ये धंसेगी तो इसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड पड़ा इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म कि वाइब्रेशन एक्सटर्नल एयर से मिडल एयर में आई और मिडल एयर से किसके थ्रू, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेलियस, इनकस और स्टेपीज के थ्रू कहाँ पे चले गए, इन द इनर ईयर, और रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया, इसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओसिक्यूलर सिस्टम। अगर आप रिवर्स देखें कि जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट नहीं करेगी, इसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती थी उस वक्त तो ये सारे स्ट्रक्चर इस तरीके से अंदर की तरफ मूव कर रहे थे, जब वाइब्रेशन खत्म हो गया, अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने वाइब्रेट नहीं किया तो अब ये सारे स्ट्रक्चर जो इनवर्ड मूव कर रहे थे अब ये वापस आ जाएंगे अपनी अपनी पोजीशन पे। जब ये वापस आएंगे तो मेलियस भी बाहर को मूव करेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर को मूव करेगी, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास थी मैंने आपको बताया था फेस प्लेट, ये भी बाहर मूव करेगी। जब ये बाहर मूव करेगी तो ये जो फ्लूइड को पहले तो अंदर की तरफ पुश कर रही थी, जब ये इसकी पुश जो है फ्लूइड को वो भी खत्म हो जाएगी, तो जो फ्लूइड पहले फॉरवर्ड मूव कर रहा था अब वो फ्लूइड भी वापस आ जाएगा अपनी जगह पर, बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से मिडल ईयर से साउंड वेव जो है कंडक्ट होकर कहाँ पे चले गए, इन द इनर ईयर। तो ये था सारा सिस्टम जिसके थ्रू वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन जो एक्सटर्नल ईयर में आके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक किया, साउंड की वेव्स ने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिडल ईयर में गई वाइब्रेशन, और मिडल ईयर से इनर ईयर में किस तरीके से गई, थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द ओसिक्यूलर सिस्टम, इनके थ्रू वाइब्रेशन इनर ईयर में गई। अगर कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Involves sound waves creating mechanical motions that cause fluid in the ear to move in waves and trigger nerve impulses that the brain interprets as sound. The outer ear functions to funnel sound waves. The vibrations from these waves reach the middle ear and move the tympanic membrane, also called the eardrum. This causes three bones called the auditory ossicles to also move. The bones make contact with a fluid-filled structure in the inner ear called the cochlea. The mechanical movements of the auditory ossicles move fluid inside the cochlea. Fluid waves move hair cells that line the cochlea. The movement of these cells activates nervous system receptors. Signals are carried through the vestibulocochlear nerve, cranial nerve 8, to the temporal lobe of the brain, where they're interpreted as sound.